कल मैंने ये वीडियो बनाया था बेनिफिट्स ऑफ गूगल साइट्स और उसमें मेरे पास मैक्सिमम यही कमेंट्स आए कि भाई गूगल साइट्स के अंदर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, आपकी वेबसाइट भले ब्लॉगर में है या फिर वर्डप्रेस में, अगर आप उसमें ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं तो भी आप गूगल साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट ही नहीं है और आप एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो भी आप गूगल साइट्स को यूज़ कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। आपने गूगल में जाना है, गूगल साइट्स लिखना है और ये जो आप लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ प्री टेम्पलेट्स मिलेंगे, यहाँ लिखा है टेम्पलेट गैलरी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपको 10 टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, पर मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगा तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप इसके अंदर अपना एफिलिएट लिंक लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वो नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, और अगर आपने एफिलिएट लिंक लगाना है तो आपने उस एफिलिएट प्रोडक्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल iPhone 11, यहाँ पे आप एप्पल iPhone 11 लिखेंगे। मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पॉइंटर ले जाएंगे आपको यहाँ ऐड लोगो की ऑप्शन दिखेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने लोगो को अपलोड करेंगे। अपलोड के ऊपर मैंने क्लिक करा और मैंने अपने लोगो को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। लोगो अपलोड करने के बाद यहाँ से पेज को नीचे करेंगे और फेव आइकन की भी आपको ऑप्शन मिलेगी, यहाँ से आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। और मैंने अपने फेव आइकन को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोई भी सेव की ऑप्शन नहीं है, आपने जस्ट यहाँ से क्लोज करना है और ऑटोमेटिक आप देखेंगे लोगो आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर टाइटल देना है, अगर आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट लिंक लगा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, नहीं तो अगर आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, जैसे मैं अपनी इस वेबसाइट में ट्रैफिक भेजना चाहता हूँ तो यहाँ से जस्ट मैं टाइटल को कॉपी करूँगा और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। टाइटल के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रही है हेडर टाइप और चेंज इमेज। हेडर टाइप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, कवर के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप देखेंगे पूरा कवर कर लिया है इसने, लार्ज बैनर, बैनर और टाइटल ओनली। आपको इसमें से कौन सी ऑप्शन चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे पहला था कवर इमेज, आप पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। चाहे तो डायरेक्ट आप इमेज को अपलोड करें, नहीं तो आप सिलेक्ट इमेज के ऊपर जाएं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, इनकी गैलरी भी है, यूआरएल सर्च भी कर सकते हैं आप, अगर आपकी कोई एल्बम है तो उसके अंदर से भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस गूगल ड्राइव से भी आपको इमेज सिलेक्ट करने की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ से मैं इनकी गैलरी को ही सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाली इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सिलेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करा, आप देखेंगे यहाँ मेरी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर आप इस टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर आप देखेंगे एक टूल बार ओपन हो गया है, यहाँ से आप इसको इटैलिक, बोल्ड, सेंटर जैसे भी करना चाहे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर टाइटल में ही लिंक लगाना चाहे तो अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ये पसंद ही नहीं आ रहा है यहाँ से आप इसे डिलीट कर दें। अगर आपसे कुछ मेजर मिस्टेक हो जाती है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से अंडू की ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा तो आप देखेंगे यहाँ पे आर आ गया और जैसे ही मैंने रीडू करा तो वापस वो नेक्स्ट स्टेप में आ गया, मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट आपको यहाँ से ये ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हिंदी में और फ्री में सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बहुत कम टाइम बचा आपके पास, आप मेरी मेन वेबसाइट में जाएंगे technovedant.com, इधर आपको कोर्सेज का सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और डायरेक्ट आप मेरी कोर्सेज की वेबसाइट में आ जाएंगे, कैटेगरीज में जाएंगे, मार्केटिंग में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है SEO, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, आपको हिंदी में सीखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे आप यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस, ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जस्ट आपने कूपन कोड के ऊपर क्लिक करना है। आप देखेंगे अभी ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको उडीमी की वेबसाइट में साइन अप करना पड़ेगा, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कब तक ये फ्री रहेगा ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जल्दी से जल्दी इस कोर्स को एनरोल कर ले, उसके बाद जो भी आपको टाइम सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंगली आप घर बैठे बैठे इस कोर्स को फ्री में सीख सकते हैं।
अब नीचे अगर आप कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने क्लिक करा तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सिलेक्ट करा। मैं फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसमें अपने एफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एप्पल आईफोन 11 का प्रमोशन कर रहे हैं, एफिलिएट लिंक लगा रहे हैं, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो जस्ट आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और जहाँ पे मैंने ये टाइटल दिया है उसकी जगह आप ये टाइटल दे सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें वन बाय वन आपको बताऊंगा। अगर आप एफिलिएट लिंक की मार्केटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारी उसी की डिटेल्स लिखनी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। यहाँ पे मैं अभी अपना वेबसाइट का ही नाम दूंगा और उसके बाद नीचे टेक्स्ट है। टेक्स्ट में फ्रेंड्स आपने यहाँ से 2-3 लाइनें कॉपी ज़रूर करनी है और हो सके तो उस कंटेंट को थोड़ा ओरिजिनल रखें। एज इट इज़ सारा कॉपी मत करना। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको कॉपी करके दिखा रहा हूँ। नॉर्मल टेक्स्ट इसमें सिलेक्ट है, इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दे, इटैलिक करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं आप इजीली यहां से कर सकते हैं। यहां पे आपको टूल बार मिलेगा और अब यहां से फ्रेंड्स आपको अपने लिंक ऐड करने हैं। मैंने सबसे पहला जो टेक्स्ट था उसको सिलेक्ट करा और मेरी जो वेबसाइट का URL है उसको यहां से मैं कॉपी करूंगा और यहां पे फ्रेंड्स मैंने टेक्स्ट को जो सिलेक्ट करा है यहां पे मैं एक बैक लिंक क्रिएट कर दूंगा। अभी पब्लिश करके देखेंगे ये डू फॉलो है नो फॉलो है या हमें कोई बैकलिंक मिलता भी है कि नहीं। और यही सेम चीज़ अगर आप नीचे भी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देखेंगे डुप्लीकेट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम आपकी ये चीज़ नीचे आ गई। अब मैं यहाँ से अपने टाइटल को कॉपी करूँगा जो मुझे पहले करना चाहिए था पर मुझसे ये मिस हो गया। यहाँ पर मैं इस टाइटल को पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यही चीज़ अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने इसकी डिटेल्स को कॉपी करना है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपके यहाँ डिटेल्स मिल रही है उसको आप यहाँ से सारा कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसकी जगह पे आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जो टाइटल है इसके नीचे फ्रेंड्स आपने सेम यही टाइटल कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ से मैंने इसे कॉपी करा और इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यही सेम सेटिंग्स है जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप बीच बीच में प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू का बटन भी मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट किस तरह की रेडी हो रही है गूगल साइट्स के अंदर उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डेस्कटॉप पे किस तरह की दिखाई देती है, टैबलेट में देखना चाहते हैं तो किस तरह की दिखाई देगी और मोबाइल को अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी वेबसाइट मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ से आप इसे क्लोज करेंगे तो डायरेक्ट आप एडिट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ आपको इमेज, एम्बेड और गूगल ड्राइव सबकी ऑप्शन मिलेगी। गूगल ड्राइव आपका वही वाला काम करेगा जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करा हुआ है। अगर इस ईमेल आईडी से आपने गूगल ड्राइव के अंदर फाइल्स को सेव करा है तो इस गूगल ड्राइव में आपको सिर्फ वही फाइल्स दिखेंगी। और आप देखेंगे नीचे आपको कुछ लेआउट्स भी मिल रहे हैं। अब इन लेआउट्स का आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं आईफोन 11 की इमेजेस लगाना चाहता हूँ, सिर्फ इमेजेस, तो आप देखेंगे ये 3 इमेजेस का मुझे लेआउट मिल रहा है। एक मुझे मिलेगा इमेज और टेक्स्ट का और यहाँ मिलेगा 2 इमेजेस और उसके नीचे टेक्स्ट, यहाँ पे 3 इमेजेस और टेक्स्ट, यहाँ पे 4 इमेजेस टेक्स्ट और साइड में 2 इमेजेस है और साइड में ही टेक्स्ट है। पर मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इस लेआउट के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपकी पोस्ट के अंदर भी इमेजेस है फ्रेंड्स तो आप उसको भी बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस के बटन पर क्लिक करा। आप चाहे डायरेक्ट अपलोड करें नहीं तो सिलेक्ट इमेज के ऊपर जाए और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेगी। आप चाहे तो URL से भी पेस्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करा और इमेज कॉपी एड्रेस, कॉपी करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आ गया और इधर डायरेक्ट मैंने पेस्ट कर दिया और इंसर्ट इमेज पे मैंने क्लिक करा। ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स मैं इन दोनों में भी करूँगा। आप देखेंगे तीनों इमेज मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। अब यहाँ से टेक्निकल डिटेल्स और आईफोन 11 इसको मैं कॉपी करूँगा और वापस यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा दूँगा। आपने इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना है। उसके बाद जो आपको नीचे डिटेल्स मिल रही है जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से सारा मैंने कॉपी करा और फिर से मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आप इतनी डिटेल्स नहीं भी लिखना चाहते तो भी आपका काम बन जाएगा। आप जस्ट इतना भी लिख लेंगे और नीचे अपनी वेबसाइट का या Amazon का डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ आपको बटन की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। बटन का नेम क्या देना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ रीड मोर। मैं अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक ले जाने के लिए ये बटन दे रहा हूँ और नीचे आपको लिंक की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से जो मेरी मेन वेबसाइट का लिंक है मैं उसी को कॉपी करूँगा। कोर्सेज में मैंने क्लिक करा और यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा, वापस यहाँ आऊँगा और इधर मैं पेस्ट करके इंसर्ट कर दूँगा।
मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, मैंने ये एग्जांपल के लिए बताई थी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको रख सकते हैं। आप किसी तरह से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसे ड्रैग करके यहाँ से सेंटर में लेके आ जाए, और यहाँ से मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट का एक एग्जांपल दिया है। यहाँ से मैं पेज को नीचे करूँगा, रीड मोर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे डायरेक्ट मेरी ये कूपन कोर्स वाली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। और ठीक ऐसे अगर आप यहाँ अपना एफिलिएट लिंक लगाना चाहते हैं तो आपका लिंक यहाँ ज़रूर शो कर रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैंने लिंक को कॉपी करा और वापस मैं रीड मोर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसके प्रीव्यू को क्लोज कर दूँगा। और रीड मोर पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, एडिट के ऊपर मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैं अपना एफिलिएट लिंक दे दूँगा और इधर लिख दूँगा मैं बाय नाउ। अपडेट पे क्लिक करा और यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और जैसे ही कोई बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरा ये एफिलिएट लिंक ओपन होगा। आपको कोई वेबसाइट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ब्लॉगर में ना वर्डप्रेस में। अभी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस बची हुई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ करा, यहाँ से आपको लेआउट का समझ आ गया। थीम्स का मैंने बता दिया, पेजेस का मैं अभी बताऊँगा। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स और नीचे काफ़ी सारे टूल्स मिलेंगे। टेक्स्ट के लिए आपको टूल मिल रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आपको टूल मिलेगा। अगर आप एक ही पेज के अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स लिख रहे हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट भी डाल सकते हैं, कि डायरेक्ट जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इस सेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद जो मैं हेडिंग दूंगा वो टेबल ऑफ कंटेंट में डालूंगा, तो जैसे ही कोई भी उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ से आपको इमेज के स्लाइड शो की भी ऑप्शन मिलेगी, प्लस आपको बटन, डिवाइडर, प्लेस होल्डर, यूट्यूब के वीडियो यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेक्नो वेदांत और मैंने एंटर प्रेस करा, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सारे शो करेंगे। और जो वीडियो मुझे अपने इस पेज में लगाना है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से इसे ड्रैग करके आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। कैलेंडर, मैप, डॉक्यूमेंट, स्लाइड, शीट, फॉर्म, चार्ट्स, सारी आपको यहाँ ऑप्शन मिलने वाली है। यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ मत होना कि मैंने मिक्स एंड मैच कर दिया अपनी वेबसाइट और आईफोन 11 मतलब एफिलिएट वेबसाइट को। आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ मैंने एफिलिएट लिंक लगाया वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे, और जहाँ मैंने एफिलिएट वेबसाइट की कुछ डिटेल्स लिखी है वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की कुछ डिटेल्स डालेंगे, और जहाँ मैंने आईफोन 11 की फ़ोटोग्राफ्स को ऐड करा है वहाँ पे जस्ट आपने अपनी वेबसाइट की फ़ोटोग्राफ्स या थंबनेल को आप ऐड करेंगे। अब इसमें सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से नेविगेशन आप टॉप में चाहते हैं, स्लाइड में चाहते हैं, कलर कैसा चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट, वाइट, ब्लैक। ब्रांड की इमेज हम ऐड कर चुके हैं। व्यूअर टूल को आप सेम ऐसे ही रहने दें, और इसके अंदर आप चाहे तो अपना कस्टम URL ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने .co.uk का दिया है, पर मेरे ख्याल से .com.in इसके अंदर सारे ऐड हो जाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा कि गूगल साइट्स के अंदर कस्टम URL कैसे ऐड कर सकते हैं। और जब आपकी ये वेबसाइट रेडी हो जाए तो आप गूगल एनालिटिक्स के कोड को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट बैनर में फ्रेंड्स, अगर आप कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कोई आपका इवेंट आने वाला है, कोई ऑफर देने वाले हैं, कोई कूपन कोड देने वाले हैं, तो उसकी अनाउंसमेंट आप यहां से कर सकते हैं। अब मैं आपको पब्लिश करके दिखाता हूं कि गूगल की साइट किस तरह से पब्लिश होने के बाद दिखती है, उसके बाद मैं आपको पेजेस के बारे में बताऊंगा। अब यहां से इस वेबसाइट को हम पब्लिश करेंगे। मैंने पब्लिश के ऊपर क्लिक करा, वेब एड्रेस क्या चाहते हैं आप, यहाँ पे वो लिखा होगा, और कस्टम URL अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे साइट को कौन देख सकता है, एनीवन, इसको आप सेम एज इट इज ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में शो ना हो तो यहाँ से आप इसे टिक कर दे। मैं जस्ट ये डेमो वेबसाइट बना रहा हूँ तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये सर्च इंजन के अंदर शो हो। मैंने यहाँ से टिक कर दिया और उसके बाद मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा। वेबसाइट मेरी पब्लिश हो चुकी है। इसके आगे आप ये जो बटन देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है व्यू पब्लिश साइट, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और आप देखेंगे मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। और इसका जो URL है वो sites.google.com/view/techno-vedant-home, होम मतलब मेरा ये होम पेज है। अब मैं आपको इसके और पेजेस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे आप सेंटर में पेजेस लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप पॉइंटर होम में लेके जाएंगे 3 dots हाईलाइट हो रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और डुप्लीकेट पेज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सब पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेट पेज पे मैंने क्लिक करा और यहाँ से मैं इसका नाम दे दूँगा अबाउट अस। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस नाम से आपने पेज को क्रिएट करना है वो नाम आपने यहाँ देना है, और डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे ऊपर मेरा मेन्यू क्रिएट होने लग गया। अब ये मेरा अबाउट अस वाला पेज है, तो यहाँ से मैं इसकी टाइटल को मतलब ये जो हेडिंग है इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा अबाउट अस।
और अब मुझे नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ से मैं सारी चीज़ें डिलीट करूँगा और उसके बाद मैं अबाउट अस का अलग से एक सेक्शन बनाऊँगा। और किस तरह से क्रिएट करना है इन सारे टूल्स को यूज़ करके, वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेक्स्ट बॉक्स पर जाना है और अपने बारे में यहाँ सारी डिटेल्स लिखनी है। इमेजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है और सोशल आइकन्स के आप इमेजेस ऐड कर देंगे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। इमेजेस पे कैसे लिंक देते हैं मैं आपको वो बता चुका हूँ। आप देखेंगे ये इमेज है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे अपना लिंक ऐड कर देंगे और उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब चेक करते हैं जब पब्लिश होने के बाद क्या हमें यहाँ से डू फॉलो बैक लिंक मिला या नो फॉलो बैक लिंक। अभी मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया। पब्लिश होने के बाद आपको मैं लिंक पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे मेरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर गया। अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके देखते हैं ये डू फॉलो बैक लिंक है या नो फॉलो। यहाँ पर आप देखेंगे नो फॉलो मेंशन तो नहीं है, पर यूआरएल भी कुछ अलग तरीके का आ रहा है। तो खैर इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं कि ये डू फॉलो है नो फॉलो। मेन हम चलते हैं अपने कंटेंट पर। अब यहाँ से जो इसके टेम्पलेट्स है, अगर आप इतना सब कुछ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जस्ट टेम्पलेट गैलरी के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इवेंट के ऊपर क्लिक करा, मैंने एग्जांपल के लिए इवेंट पे क्लिक करा है, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी ये पेजेस क्रिएट कर चुके हैं, अगर आप ये पेजेस नहीं चाहते तो आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। और सेम ये वही टूल आ गया जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। और इस टेम्पलेट में सिर्फ आपने इस टेक्स्ट को चेंज करना है और आपको कुछ भी नहीं करना, हर चीज़ रेडीमेड है, बैकग्राउंड कलर, इमेजेस, सब कुछ यहाँ पर मैंशन है। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो बस आपको चेंजेस करने हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और चेंजेस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ इन टूल्स को यूज़ करके। ये सब करने के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें।